नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। दोस्तों, आपको पता ही है कि CBSE बोर्ड के द्वारा CTET की ऑनलाइन परीक्षाएं प्रारंभ करा दी गई हैं और 2 दिनों में परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न भी हो चुकी हैं। 28 और 29 दिसंबर को परीक्षाओं का समापन बहुत ही शानदार तरीके से CBSE बोर्ड के द्वारा किया जा चुका है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सन 2021 में पहली बार CBSE के द्वारा CTET की ऑनलाइन परीक्षाओं का प्रारंभ किया गया। इस दौरान देखा गया कि जब पहली बार CTET की ऑनलाइन परीक्षाएं हुई थी, तो पहले दिन जो परीक्षा हुई थी तो उसमें काफ़ी परीक्षा केंद्रों पर सर्वर डाउन होने की कंप्लेन आई थी, जिसकी वजह से पहले दिन की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाई थी, जिसके बाद CBSE बोर्ड पर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी भड़के थे और CBSE बोर्ड ने जो पिछली बार ऑनलाइन परीक्षा कराने का जो टेंडर TCS कंपनी को दिया था उस पर भी काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी भड़के थे। लेकिन इस बार क्या है कि CBSE के द्वारा CTET की दूसरी बार ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जा रही हैं और 2021 के अपेक्षा 2022 में CTET में काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किए हैं। लगभग 32,45,000 अभ्यर्थी इस बार CTET की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। 2 दिनों में 2,59,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है और जो आगामी परीक्षाएं हैं वो 9 जनवरी 2023 से कंटिन्यू 7 फरवरी 2023 तक होने वाली हैं, जिसका शेड्यूल CBSE के द्वारा जारी भी कर दिया गया है। तो आपको भी पता चल गया होगा कि आपका एग्जाम किस डेट में और किस सिटी में होना है। सारी डिटेल CBSE के द्वारा जारी कर दी गई हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 9 जनवरी से कंटिन्यू एग्जाम सेंटर पर पहुंचकर दोनों शिफ्ट का हम लाइव रिव्यू करेंगे, क्योंकि हमने 2021 में जो पहली बार ऑनलाइन परीक्षाएं हुई थी उनका भी फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक प्रत्येक दिन प्रत्येक शिफ्ट का एग्जाम रिव्यू किया था। तो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने हमारे चैनल के माध्यम से रिव्यू देखा था। क्या है कि रिव्यू देखने से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में मदद मिलती है। तो आई होप कि 9 जनवरी से हम एग्जाम रिव्यू करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी इस बार भी देखेंगे। साथ ही साथ क्या है कि पिछली बार जब पहली बार CTET की ऑनलाइन परीक्षाएं कराई गई थी तो हम रिव्यू करते थे, तो काफ़ी कैंडिडेट से हम बात करते थे, उनमें फ़ीमेल कैंडिडेट भी हुआ करती थी और मेल कैंडिडेट भी हुआ करती थी। तो काफ़ी ज़्यादा खासकर फीमेल कैंडिडेट जो उस समय पहली बार ऑनलाइन परीक्षाओं में शामिल हुई थी, यानी कि उससे पहले उन्होंने कभी भी ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं दी थी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम को सॉल्व करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो इस बार भी लगभग 32,45,000 अभ्यर्थी हैं, तो खासकर फीमेल कैंडिडेट भी काफ़ी संख्या में इस बार इस परीक्षा में शामिल होने वाली हैं। तो मैं उन फीमेल कैंडिडेट से खासकर यह अनुरोध करना चाहूँगा जो पहली बार किसी भी ऑनलाइन परीक्षाएं में शामिल हो रही हैं, मैं CTET की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने आज तक कभी भी कोई भी ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं दी हैं, यानी कि उन्हें ऑनलाइन परीक्षाएं देने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। तो आपके पास जितना भी समय बचा है, यानी कि आपका जो एग्जाम जिस डेट में होना है उस डेट से पहले आपके पास जो भी समय बचा है, उस समय में आप अपने ऑनलाइन परीक्षा देने की प्रैक्टिस भी करके आएँ, क्योंकि क्या है कि आपको सिर्फ 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 150 मिनट मिलने वाले हैं और 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। और आपको बताइए कि CTET का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो ग्राफ में से देखकर आपको आंसर देने होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े आते हैं, यानी कि एक बार में जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसमें आप एक बार में ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वहाँ पर आपका काफ़ी समय भी वेस्ट हो जाता है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि क्या है कि ऑफलाइन जब एग्जाम होता था तो आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो आप उसमें अंडरलाइन ईजिली कर सकते थे पेन से, लेकिन यहाँ आप कंप्यूटर स्क्रीन पर तो अंडरलाइन कर नहीं सकते, तो इसलिए आप ऑनलाइन परीक्षाएँ देने की प्रैक्टिस करके आएँ। वो अभ्यर्थी खासकर फीमेल हो या मेल हो जिन्होंने कभी भी ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं दी हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, और बाकी जिन्होंने पहले ऑनलाइन परीक्षाएं दे रखी हैं उनको तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, और जो भी दिक्कतें आएंगी हम पर डे रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू के दौरान जो भी हमें कैंडिडेट के माध्यम से जो गलती हमें अवगत होंगी जो कैंडिडेट बताते हैं तो हम आपको साथ के साथ बताते चलेंगे।
तो बस आप जो भी समय आपका बचा है, जिस डेट में आपका एग्जाम होना है, तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करिए अच्छे से और आप अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि क्या है कि इसमें कट ऑफ तो फिक्स है, जनरल की आपको 150 में से 90 क्वेश्चन क्वालिफाई करने के लिए लाने होते हैं, बाकी जनरल के अलावा जो भी अदर कैटेगरी है उनके लिए 82 नंबर 150 में से लाने होते हैं। तो नंबर तो क्वालिफाई तो कर लेते हैं, लेकिन और ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से स्कोर कर सकें। क्योंकि क्या है कि जब आपका सिलेक्शन होता है, आप टीचर बनते हैं, तो वहाँ पर ये नंबर भी आपके जुड़ते हैं, तो वहाँ एक एक नंबर काफ़ी कीमती हो जाता है। तो बस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी देने वाला था कि आप बिल्कुल भी ये गलती ना करें जो पहली बार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। ऑनलाइन पेपर देने की भी आप प्रैक्टिस करके आएँ, बाकी उसके अलावा आपने जो भी सब्जेक्ट में यहाँ पर चूज की हैं उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करके आएँ। पेपर ज़्यादा सी टेट का हार्ड नहीं आता है, थोड़ा बस प्रैक्टिस का ही खेल है। बाकी तो आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे, तो उसमें आपको खुद अपने स्तर को आपने जांच लिया होगा कि आपका क्या स्तर है और क्या स्कोर आपका आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और अभी तक आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको रिव्यू कंटिन्यू मिलते रहें, यानी कि रिव्यू की वीडियो आपके पास कंटिन्यू आती रहे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है। वो क्या है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सकें, उसके बाद आप इजीली वीडियोस दे सकें। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।